Hello everyone, welcome to last moment revision series from Easy Engineering Classes. Topic चल रहा है Introduction to Programming, C Programming का, और ये है वीडियो नंबर 7. इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड यूनियंस के बारे में. तो टॉपिक्स जो कवर हैं वो हैं स्ट्रक्चर्स, डिक्लेयरिंग एक्सेस इन द स्ट्रक्चर मेंबर्स, एक पूरा प्रोग्राम देखेंगे इसके ऊपर, और यूनियंस. तो देखो, स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो स्ट्रक्चर भी देखो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है. स्ट्रक्चर के अंदर भी हम बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं. बट अगेन देन क्वेश्चन उठता है कि ये तो एरे भी कर सकता था ऐसी चीज़. तो देखो, अगर हम जब एरे बनाते हैं तो एरे क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वेरिएबल्स. मतलब अगर हम एक एरे बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस एरे में एक स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो, उसका नाम भी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता. तो अगर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. फॉर स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट एरे फॉर रोल नंबर एंड नेम. तो मुझे दो डिफरेंट एरेज बनाने पड़ेंगे. बट इसी चीज़ को स्ट्रक्चर दूर कर देता है. स्ट्रक्चर क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मतलब कलेक्शन है वेरिएबल्स का और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इंटीजर टाइप का ही होगा या फिर करेक्टर टाइप का ही होगा. किसी भी टाइप का वेरिएबल हो स्ट्रक्चर के अंदर वो प्रेजेंट हो सकता है. सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप अंडर अ सिंगल नेम. दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, लेट अस से स्टूडेंट, और उस स्ट्रक्चर के अंदर ये रोल नंबर भी है और नेम भी है, तो ये एक सिंगल एंटिटी बन गई जिसके अंदर ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है और एक के करेक्टर टाइप का वेरिएबल है. तो इस एंटिटी को, इस सिंगल एंटिटी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, सो द कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट, STRUCT. स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए. और जो इसका सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होता है. स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, देन स्ट्रक्चर का नेम हम लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और जितने भी डाटा टाइप्स हमें मेंशन करने हैं हम इसके अंदर मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट का ही स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो किस इस तरह से बनेगा. स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट, पहला डाटा वेरिएबल मैं रखता हूँ रोल नंबर, इंटीजर टाइप, सो इंट रोल नंबर. सेकंड मैं रख लेता हूँ नेम, सो करेक्टर टाइप का ले लिया नेम. थर्ड मैं रख लेता हूँ लेट अस से मोबाइल नंबर, कुछ भी आप रख सकते हैं डिफरेंट जो आपको चाहिए. तो ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया. नाउ दिस इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये स्ट्रक्चर का नाम है, ये इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. सो डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हो गए, इंटीजर हो गया, करेक्टर हो गया, देन अगेन यू कैन हैव फ्लोट वेरिएबल्स ऑल्सो. सो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को एक सिंगल एंटिटी में रखना वो स्ट्रक्चर कहलाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर कि होता क्या है स्ट्रक्चर, कैसे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं. So now let us see forward with the other topics. So इसमें देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहले तो टर्मिनेशन जो है इसका वो सेमी कॉलन से होता है. सो टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर टेम्पलेट इज विथ सेमी कॉलन, जैसे हमने यहाँ पे किया. जब भी पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ तो सेमी कॉलन से हम इसको बंद करते हैं. ठीक है, सो
ये कुछ इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के इन मेंबर्स को, ये डाटा मेंबर्स हो गए, इन मेंबर्स को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर को, मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हम बनाते हैं और इनको हम यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स। दो तरीके होते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाने के, दोनों को अब हम देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाते हैं। सो द फर्स्ट वे इज़ लाइक दिस। स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम दिया स्टूडेंट, डाटा मेंबर बनाने हैं हमें। सपोज मैं ये दो डाटा मेंबर्स ही बनाता हूँ। अब इसके बाद एकदम से सेमी कॉलन नहीं लगाना, इसके बाद आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिख सकते हो, इसके बाद आप वेरिएबल्स लिख सकते हो। लेट अस से मैंने लिखा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। तो मैंने 4 ये वेरिएबल्स बनाए, किस टाइप के बनाए, ऑफ टाइप स्टूडेंट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ टाइप स्टूडेंट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ टाइप स्टूडेंट। और इसलिए इसको यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स बोलते हैं क्योंकि जो हम डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर, उस टाइप के वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप स्ट्रक्चर के बाद ही यहाँ पे वेरिएबल्स को मेंशन कर दो। नाउ द सेकंड वे इज, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर करेक्टर नेम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर को हमने बंद कर दिया, टेम्पलेट को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद सपोज मैंने अपना मेन प्रोग्राम लिखा, सो इंट मेन। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे करना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम जो कि है स्टूडेंट मेरे केस में। उसके बाद मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ ऐसे S1, S2, S3 लाइक दिस, ठीक है। सो एक तो तरीका हो गया डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर के बाद कर सकते हो, दूसरा तरीका ये वाला है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा वे फॉलो करना है, बट दे आर टू डिफरेंट वेज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ठीक है। सो नाउ वी विल सी हाउ टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर्स। सो देखो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने का जो तरीका है वो होता है, इसका जो सिंटैक्स है बेसिकली दैट इज स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखो पहले जो उस वेरिएबल के लिए एक्सेस करना है, डॉट स्ट्रक्चर मेंबर नेम, सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द डॉट जिसका यूज़ करते हैं टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। जैसे इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर मुझे रोल नंबर और नेम को एक्सेस करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, S1.RollNumber ऐसी S1.Name, ठीक है। अब देखो इसमें ब्यूटी क्या है इस चीज़ की, आपने स्ट्रक्चर एक बनाया जो कि एक टेम्पलेट है, अब हर वेरिएबल के लिए उस मेंबर की जो मेमोरी होगी वो डिफरेंट होगी। सो डैट मीन्स अगर कुछ इस तरह से हमारे पास मेमोरी है तो S1.RollNumber के लिए फॉर एग्जांपल ये वाला मेमोरी स्पेस है, S1.Name के लिए फॉर एग्जांपल ये वाला मेमोरी स्पेस है। ऐसी अगर आपने लिखा है या यूज़ किया है S2.RollNumber तो उसको यही वाला रोल नंबर का मेमोरी स्पेस नहीं मिलेगा, वो डिफरेंट वैल्यू होगी, तो वो आपको सपोज यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। ऐसे ही S2.Name की जो आपको वैल्यू होगी वो हो सकता है आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। सो फॉर एवरी डिफरेंट वेरिएबल द डाटा मेंबर हैज़ डिफरेंट मेमोरी स्पेस। सो इसी के कारण आप सेम स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स को बना सकते हो और उनके मेंबर्स को अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने S1.RollNumber को
वैल्यू दी है 1, तो आप एस टू डॉट रोल नंबर को वैल्यू दे सकते हो 2 एंड सो ऑन। सो बेसिकली इसमें क्या पढ़ा हमने कि डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल क्रिएट अ कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें आपको कैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम उसको एक्सेस करके डेटा को स्टोर कराते हैं, पूरा एक प्रोग्राम मैं आपको भी लिख के दिखाता हूँ। सो द प्रोग्राम दैट वी विल बी राइटिंग इज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्चर ओनली। स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को ही मैनेज करेंगे। सो सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड करनी ही होती है हमें। सो इंक्लूड stdio.h, देन क्रिएट द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ एक तो नेम डाटा मेंबर, सो करेक्टर नेम फॉर एग्जांपल 50 करेक्टर्स का मैंने ले लिया। एक हमने ले लिया रोल नंबर और एक हमने ले लिया मार्क्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। देन यू कैन क्रिएट द डाटा स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हेयर ऑल्सो। सो अगर मैं बनाता हूँ s1, s2, तो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद हम अपना बनाएंगे मेन फंक्शन। सो इंट मेन, देन प्रिंट एफ, एंटर रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, एंटर नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, एंड एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। सो ये तो हमने सिंपल प्रिंट एफ करा है जहाँ पे यूज़र को दिखेगा कि उसको एंटर करना है। अब एंटर कराने के लिए हमें स्कैन एफ यूज़ करना है, तो स्कैन एफ रोल नंबर किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो परसेंटेज डी। अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कैसे एक्सेस करना है s1.rollNumber, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसे स्कैन एफ, अब है नेम, तो नेम किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, तो परसेंटेज एस, s1.name, देन मार्क्स, मार्क्स किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, सो स्कैन एफ परसेंटेज एफ s1.marks, ठीक है। सिमिलरली यू विल एंटर फॉर सेकेंड ऑल्सो इन द सेम वे, इन सेम वे गेट डिटेल्स ऑफ सेकेंड स्टूडेंट। अब वहां पे चेंज क्या हो जाएगा, s1.rollNumber की जगह क्या लिखोगे, s1.rollNumber की जगह लिखोगे s2.rollNumber, ठीक है। मतलब इसकी जगह क्या लिखोगे s2.rollNumber, s1.name की जगह क्या लिखोगे s2.name, और s1.marks की क्या लिखोगे s2.marks, ठीक है। सो इस तरह से आप वैल्यूज एंटर करा लोगे। नाउ इट इज़ द टाइम टू प्रिंट द इन्फॉर्मेशन। सो प्रिंट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट एफ रोल नंबर प्रिंट कराने के लिए हम कर सकते हैं। सो रोल नंबर इज परसेंटेज डी, पहले स्टूडेंट का कराओगे तो क्या करोगे s1.rollNumber, ठीक है। ऐसे ही प्रिंट एफ नेम कराना है तो क्या करोगे, नेम इज परसेंटेज एस s1.name,
सिमिलरली प्रिंट एफ मार्क्स इज परसेंटेज एफ एस वन डॉट मार्क्स एंड सेम इसी वे में आप एस टू के भी करा दोगे स्टूडेंट टू के भी करा दोगे देन फाइनली वी हैव टू राइट दिस रिटर्न जीरो एंड कंप्लीट दी प्रोग्राम. सो बहुत सिंपल है आपको ये जो है यहाँ पे दिस इज़ दी स्ट्रक्चर वेरिएबल और ये क्या है स्ट्रक्चर का डाटा मेम्बर. सो इसको यूज़ करके आप एक कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हो. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके अंदर डाटा वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं डाटा मेम्बर्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं. सो दिस इज अबाउट दी स्ट्रक्चर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियंस. यूनियंस देखो बिल्कुल सेम होता है स्ट्रक्चर की तरह बट एक मेजर डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम प्रोग्राम की मदद से भी समझेंगे बट अभी देखते हैं वो डिफरेंस है क्या. इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज़ इट्स ओन स्टोरेज लोकेशन वेयर एज ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियन यूज द सेम लोकेशन. ठीक है. सो स्ट्रक्चर में हर डाटा मेंबर की अपनी एक स्टोरेज लोकेशन होती है जबकि यूनियन के अंदर सारे डाटा मेंबर्स एक ही लोकेशन को एक्सेस करते हैं यूज़ करते हैं. सो अब देखो ऐसा होता है तो यूनियन कैन हैंडल ओनली वन मेंबर एट ए टाइम बट कैन स्टोर मैनी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप. अभी मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि कैसे होता है एक्चुअल में. सो लेट अस क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड यूनियन बोथ साइड बाय साइड देखते हैं. अगर मैं बनाता हूँ एक यूनियन जिसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट और साइड बाय साइड हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम भी मैं रखता हूँ सपोज स्टूडेंट. अब देखो वैसे दोनों सेम है कि इसके अंदर भी आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को लिख सकते हो. डाटा मेंबर्स बनाना वेरिएबल्स बनाना एक्सेस करना सब कुछ सेम है. सो करेक्टर नेम लेट अस से 32 हेयर ऑल्सो करेक्टर नेम 32 यहाँ पे हम एक ले लेते हैं फ्लोट मार्क्स सेम हेयर फ्लोट मार्क्स इंट रोल नंबर. अब हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आपको ऐसा एक क्वेश्चन आए और क्वेश्चन पूछे विच वन ऑफ दीज हैज मोर मेमोरी और विच वन ऑफ दिस यूज मोर मेमोरी. सो ऐसे देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है कि सेम मेमोरी एक्सेस करेंगे सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी को यूज़ करेंगे बट एक बार ज़रा देखते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है. अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में देखो नेम के लिए 32 बिट की मेमोरी क्योंकि 32 हमने साइज लिया है एलोकेट हो जाएगी. फ्लोट के लिए कितनी होगी 4 और रोल नंबर के लिए कितनी होगी 2. ठीक है. सो नेम के लिए कितनी हुई 32 मार्क्स के लिए कितनी हुई 4 और रोल नंबर के लिए कितनी हुई 2. सो टोटल कितनी हो गई 40 बाइट्स इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर. Whereas in the case of union, there will be only single memory location allocated to all the data members. और वो कौन सी होती है जो सबसे बड़ी होती है यानी एक memory location allocate हो जाएगी जो होगी कितने byte की 32 byte की. ठीक है. तो सारे data member इसी के अंदर हैं. अब जब सारे data member एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर होते हैं तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूज़ हो सकता है. ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूनियन का. सो अगर जैसे इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं या यूनियन के इसी प्रोग्राम में अगर हम देखते हैं लेट अस से आफ्टर क्रिएटिंग दिस मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूँ अपना. सो इंट मेन और मैं यूज़र से उसका मार्क्स एंटर करा लेता हूँ. Let us create one variable here. So scanf percentage f ampersand s1 dot marks.
मार्क्स मैंने एंटर करा लिए, ठीक है, देन स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्फरसेंट एस एन डॉट रोल नंबर, मैंने दो चीज़ें एंटर करा ली हैं बस। सपोज़ यूज़र ने, जब मार्क्स की बात आई थी तो यूज़र ने एंटर किया 80.5, और जब रोल नंबर की बात आई तो यूज़र ने एंटर किया 4। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कराना चाहते हैं, सो प्रिंट एफ मार्क्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ एस वन डॉट मार्क्स, प्रिंट एफ रोल नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी रोल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट। जो क्वेश्चन है वो है आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, एक ही मेमोरी लोकेशन है, लेट अस से ये मेमोरी एलोकेट हुई थी 32 बाइट की थी, कोई दिक्कत नहीं। जब पहले मार्क्स एंटर हुआ तो एस वन डॉट मार्क्स के थ्रू इसमें वैल्यू एंटर हो गई 80.5, ठीक है। और इसके बाद जितने भी डाटा मेंबर्स थे उन सबको गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है। जब जिसने दोबारा से एस वन डॉट रोल नंबर में एंट्री कर दी तो ये हट गया यहाँ से, और एस वन डॉट रोल नंबर की वैल्यू इसके अंदर आ गई, डेट इज़ 4, और बाकी जितने डाटा मेंबर्स सब में गार्बेज वैल्यू आ गई। तो आउटपुट विल बी सम गार्बेज वैल्यू फॉर मार्क्स कोई भी गार्बेज वैल्यू आएगी मार्क्स के लिए, और रोल नंबर के लिए आएगा रोल नंबर इज इक्वल्स टू 4। सो एट ए टाइम एक ही डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं इन दी केस ऑफ यूनियन, और ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कैसे करते हैं। दूसरा, यूनियन ऑलवेज टेक्स लेस मेमोरी कंपेयर टू स्ट्रक्चर। सो अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो यूनियन की मेमोरी जो कंजम्पशन है या जितनी मेमोरी वो यूज़ करता है, डेट इज़ ऑलवेज लेस देन स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।